मिल गया आपको मेरे और सुयश के नाम का दिया। आप मेरा इम्तिहान ले रही थी और मैं आपका, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये कच्चा दिया यहाँ पर रखा था अपने और सुयश के नाम के अक्षर के साथ, ताकि आप ये कच्चे दिए को उठाएं और ये टूट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे और सुयश का रिश्ता टूट गया क्योंकि वो कच्चा था। मैं जानना चाहती थी कि आपको मेरे और कर्मा की शादी पर यकीन हुआ है या नहीं। जान गई, नहीं हुआ यकीन, पर अब तो यकीन कर लीजिए कि मैंने सच में उससे शादी कर ली है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं, बंद कीजिए शक करना। हमने तो भैया को पकड़ ही लिया था, उन्हें सच पता चलने वाला था अभी। पर शक तो हो ही गया था ना, तभी तो वो जीजू और जीजू माँ का दिया ढूंढ रही थी। हाँ, पर उन्हें क्या पता कि भैया और भाभी माँ का बनाया हुआ दिया ऑलरेडी मंदिर में पहुंच चुका है। मॉम, क्या बात है, आप कोई जरूरी बात बोल रही थी? आज की पूजा देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि फाल्गुनी और कर्मा की सचमुच शादी हो गई, और यह भी यकीन हो गया है कि सुयश ने पियाली को अपना लिया है। अब रिश्ते तो बन गए हैं, तो रिश्तों के साथ जो रस्में होती है वो भी तो निभानी चाहिए।
इसीलिए मैंने तुम दोनों की सुहागरात की सेज सजा दी। मॉम, ये आप क्या कह रही? मैंने अपनी और प्याली की शादी को माना नहीं है, और जिस चीज को साबित करने के लिए मैंने फाल्गुनी और कर्मा को यहाँ पे रोका है वो अभी तक साबित हुई नहीं है। और ये कौन साबित करेगा बेटा? फाल्गुनी, इसीलिए तो तुमने इन दोनों को घर में रहने के लिए कहा है ना। अब फाल्गुनी जिस घर में शादी करके आई, 9 महीने बहू बन के रही, उसी घर में किसी और शख्स के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करे, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्या है ना, समाज है, कुछ रस्में समाज के लिए निभानी पड़ती है। तुम और कर्मा अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो, ताकि तुम्हें देख के सुयश और प्याली भी अपने पुराने रिश्ते भूल जाए। मैं सही कह रही हूं ना? इसीलिए तो तुमने कर्मा के साथ शादी की है ना फाल्गुनी? फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती, ये शादी तो ये शादी क्या? ये शादी सच है ना? क्यों फाल्गुनी? फाल्गुनी चाहे जितना भी नाटक कर ले, सुयश को दुख नहीं देगी। आप भूल रहे हैं उत्तरा देवी कि ये फाल्गुनी पहले वाली फाल्गुनी नहीं है। सही कहा, शादी के बाद यही रस्म होती है। निभानी तो पड़ती है। मैं तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं। अरे, हमारी शादी को बढ़िया नुमाइश का सामान बना रखा है आप लोगों ने। शादी के बाद रोक लिया है आप, साबित करो कि शादी सच में की है या नहीं। अरे डायलॉग मुझे किसी कुछ साबित करना है यार। फाल्गुनी से मैंने शादी किसी को जलाने के लिए या फिर अपने गुस्से की आग को बुझाने के लिए नहीं की। फाल्गुनी से मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि मैं फाल्गुनी से प्यार करने लगा हूं। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा तब मैं अच्छे से शुरुआत करूंगा अपने शादीशुदा रिश्ते की। फाल्गुनी मेरी बीवी बनी है यार, जिंदगी भर का रिश्ता है, कोई कच्ची मोहब्बत तो है नहीं। अरे जरा परे हटो। मैंने सुना है फूलों में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कोई मेरी फाल्गुनी को काट न ले, इसलिए हटा देता हूं। फेंक गया तुम, हाँ ठीक है। कितना प्यारा है मेरा कर्मा। किट्टू, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने इतने अच्छे लड़के को अपने हाथ से जाने दी। खैर कोई बात नहीं, किसी का नुकसान किसी का फायदा हो गया। और अच्छा लगा ये जानकर कि देख करके अब आप मेरी सासू माँ नहीं हैं, फिर भी आप सास वाली रस्में निभा रही हैं। थैंक यू उत्तरा देवी जी।